राम राम भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग की हकीकत क्या। बॉडी बिल्डिंग में करियर है और जो हम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, स्टेरॉइड एनाबोलिक, अच्छे कोच के गाइडेंस में, क्या उससे सच में कभी साइड इफेक्ट नहीं होता अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, और जो साइड इफेक्ट से हम बचने के लिए टैबलेट मेडिकल स्टोर से यूज़ करते हैं क्या उनसे सेम बचा जा सकता है, और सबसे मेन चीज़ बॉडी बिल्डिंग जो करता है उसकी सेक्सुअल लाइफ सही होती है या ख़राब हो जाती है आगे चल के, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और जो आपको बुढ़ापे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं उसका साइड इफेक्ट 100% होना ही होना है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, क्योंकि आप प्रॉपर किसके भी गाइडेंस में चलो, किसी भी कोच के गाइडेंस में, डॉक्टर ना एक टेस्टोस्टेरोन या वो डेकाड्रोनाबोलिन आता है मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर 50 mg या 60 mg देगा, मतलब 100 mg से तो नीचे नीचे देता है पेशेंट को, वो भी जब पेशेंट की बहुत बुरी हालत हो। जो एक बॉडी बिल्डर जब प्रेप स्टार्ट करता है गेनिंग की, तो वो 250 mg से स्टार्ट करता है सीधा। तो आप ये देखो कि मतलब डॉक्टर तो 50 mg दे रहा है, वो भी डॉक्टर को बहुत लगता है, और जो ये बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करती है 250 mg से स्टार्टिंग करते हैं, और ये पता नहीं 500, 600, 800, 1000 mg तक जाते हैं, तो ये कितना साइड इफेक्ट देता होगा सोचो आप खुद ही। और जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो अपना टेस्टिस है, मतलब जो अपना जो टेस्टोस्टेरोन है ना, मेल का मेन हार्मोन, वो बनो मेल का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जैसे आप एनाबोलिक बाहर चलोगे स्टेरॉइड, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनना बंद हो जाएगा आपका। जैसे आप अगर घर बैठोगे और आपको मैं 20,000 दे रहा हूँ और फैक्ट्री जाके आप 10,000 कमा रहे हो, तो आप तो घर बैठे बैठे 20,000 आ रहे हैं, तो आप क्यों बाहर काम करने जाओगे। वैसे ही है, अगर हम बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन देंगे तो बॉडी आलसी हो जाती है, मतलब काम करना भूल जाती है जब उसे बाहर से मिलता है एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन, तो वो अपना जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनाना बंद कर देती है, नेचुरल वाला आर्टिफिशियल रहेगा आपकी बॉडी में, और उसमें भी सोख देना पड़ता है लास्ट में जाके, मतलब जब आप ये प्रेप गेनिंग खत्म करोगे उसके बाद हमें टेस्टोस्टेरोन वापस स्टार्ट करना पड़ता है, नेचुरल जो आपका टेस्टोस्टेरोन है। और जिस टाइम आप ये आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो बाहर से बॉडी बिल्डिंग के लिए, उस टाइम आप बेबी भी नहीं कर सकते, या जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें मतलब ये है कि आपका जो नेचुरल है ना वो खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और इस लाइन में आप सेफ्टी ऐसे रख सकते हो, जो टेस्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ, LFT, KFT और यूरिन टेस्ट, स्पोन टेस्ट, ये सब करवाना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी मतलब की बॉडी में चल क्या रहा है। और ब्लड टेस्ट तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़का आया था उसका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, और उसने एनाबोलिक यूज़ करा उसका ब्लड और गाढ़ा हो गया और उसकी मौत हो गई एकदम से। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बॉडी बिल्डिंग में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग में गवर्नमेंट जॉब है 100%, पर वो भी नेशनल लेवल खेलने पे गोल्ड मेडल, तो भाई उसमें तो पता नहीं आप अगर नेशनल लेवल तक बॉडी बिल्डिंग से जॉब लेना चाहोगे तो उसमें घर तक बिक जाएगा, पता नहीं कितने किले बच जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग गेम बहुत महंगा गेम है, और इस गेम में अगर आपको प्रॉपर जाना है, पहली बात तो स्पोर्ट्स होता है 2 घंटे का, बॉक्सिंग मान लो, जूडो मान लो, वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस में टाइम देना होता है, पर बॉडी बिल्डिंग गेम ऐसा 24 घंटे आपको डिसिप्लिन में रहना है, ना बाहर की चीज़ खानी है ना कुछ खाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर जो HGH मन ग्रोथ हार्मोन कुछ भी हो गया प्रॉपर खर्चा। अगर एक बंदा नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट करता है ना, तो उससे 20,000 रुपये तो डाइट डाइट में लग जाता है। फिर एनाबोलिक, मैं खुल के बता रहा हूँ, सारी चीज़ सप्लीमेंट हो गई, ये मानो आपका टोटल अगर बिल हम बिठाए ना तो 50,000 रुपये पर मंथ, कोई कहता होगा 10-15,000 में बॉडी बन जाती है, भाई अच्छी चीज़ खाओगे अच्छी डाइट लोगे ना तो कहीं नहीं होता, 600-700 रुपये तो काजू आ जाता है, तो आप हिसाब लगा के देख सकते हो।